नमस्कार दोस्तों, फौजी बाबा चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने हमारी वीडियोस को लाइक किया, पसंद किया, शेयर किया, तो देखते रहिए ऐसी आजकल जानकारी। आज हम आपको लेके आए चैल। तो चैल एक छोटा सा टाउन है जो शिमला के थोड़ा साइड में पड़ता है, पहले ही रोड मुड़ती है। और यहाँ पे तकरीबन शुरू में ये प्राइवेट लैंड था। चैल कैसे बना? तो 1892 के करीब जो ब्रिटिशर्स थे, जहाँ उन्होंने एंग्लो नेपलिस वॉर में महाराजा भूपेंद्र सिंह जो फुल्किया मिशन से थे, उन्होंने उसका साथ दिया, तो उन्होंने यहाँ उनको ये लैंड गिफ्ट किया। तो ब्रिटिशर्स ने ये लेफ्ट जो लैंड है यहाँ गिफ्ट किया। गिफ्ट करने के बाद उन्होंने यहाँ पैलेस बनाया, चैल पैलेस जाते कहे, जब भी उन्होंने होटल कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे कई चीज़ें जो है फेमस हैं चैल में। एक तो यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, 2444 मीटर की हाइट पे। एक वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है, तो उसकी तस्वीरें भी हम आपको साथ में शेयर करेंगे। तो यहाँ घूमते हुए हम पहुँचे MESIB में। मेरे पीछे अभी MESIB होता है कि मिलिट्री की जो इंस्पेक्शन बंगलो हैं MES के, वो होते हैं। तो यहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं है, तो ये कैसे बना यहाँ? आज इसके बारे में बात करते हैं। ऐतिहासिक बिल्डिंग है, 100 साल से पुरानी है। यहाँ पे एक मिलिट्री स्कूल है मेरे पीछे जो इधर है, ये से चैल मिलिट्री स्कूल कहते हैं। 1922 में ये जलंधर में शुरू हुआ, 1925 में वहाँ पे फंक्शनल हो गया, 1960 में इसको यहाँ मूव कर दिया गया। उस टाइम मिलिट्री के काफ़ी लोग यहाँ आते थे, बच्चे थे उनके, तो रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब आर्मी ने महाराजा पटियाला जो अभी फिलहाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह को अप्रोच किया, क्योंकि वो खुद आर्मी में रहे, तो उन्होंने ये बिल्डिंग आर्मी को गिफ्ट कर दी और इसको MESIB बना दिया। अब इस बिल्डिंग का आप देखिए इतिहास, देखिए अगर पीछे है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की बिल्डिंग है। तो वो ऊपर के जो बाथरूम है, तो उस टाइम में जो है कोई इस तरह का WC वगैरह सीवरेज सिस्टम नहीं था, तो जो सर्वेंट थे जो बाथरूम क्लीन करते थे, तो पीछे से एंट्री बाथरूम्स की होती थी। तो ऊपर वाले जो बाथरूम है कमरों के, वो पीछे से एक्सेसिबल होते थे इस तरह की सीढ़ी से। तो बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, 100 साल से पुरानी है। हालांकि मेंटेनेंस में कोई ज़्यादा अभी इसका अच्छा नहीं है, क्योंकि हेरिटेज की लुक धीरे धीरे जा रही है और उसको लोकल मटेरियल से रिपेयर कर दिया गया है। तो बर अंदर से बिल्डिंग जैसे हम आपको वीडियो दिखाएंगे, अभी चारों तरफ घूम कर दिखाते हैं। देखिए वहाँ बालकोनीज बनी है, ऊपर में जो रूम थी ये इसका एंट्री पॉइंट है। हम आपको दूसरी साइड से घूम के दिखाएंगे। तो हेरिटेज बिल्डिंग है, हालांकि इसको लिवेबल रहने के लिए थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करी गई हैं। इसी तरह से जो इधर के ऊपर के रूम थे उनके लिए ये एक्सेस पॉइंट है, ये एक्सेस पॉइंट पीछे से है। अभी हम आपको लेके चलते हैं इसके अंदर, आइए मेरे साथ। ये अभी ये एंट्री पॉइंट है, हम आपको इधर की एंट्री से लेके जाते हैं। बहुत खूबसूरत है, अंदर से भी आपको दिखा देते हैं। जय। गुड मॉर्निंग।
हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये जगह पसंद आई तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को इस प्लेस की हिस्ट्री के बारे में बताएं। तो ये थी हमारी वीडियो, देखते रहिए हमारा चैनल फौजी बाबा। आपके लिए हम नई नई वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद।